हेलो दोस्तों, राधे राधे। और हम एक बहुत ही यूज़फुल DIY बना रहे हैं जो वेस्ट चीज़ से ही बनेगा। वेस्ट मतलब बिल्कुल वेस्ट चीज़ घर की। जैसे ये जो थैला है, ये हल्का सा साइड से फट चुका है, तो इसका हम एक बहुत ही अच्छा गोदरेज में यूज़ होने वाला DIY बनाएंगे। देखिए, इसमें हल्का सा छेद हो चुका है। तो हमको इसको बनाने के लिए जो चाहिए वो है एक पुराना थैला और इस तरह का कुछ भी गत्ता या कार्डबोर्ड। अब इसके लिए जो थैला चाहिए वो इस तरह से चौड़ा नहीं चाहिए, मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा ना हो, उसकी लंबाई ज़्यादा हो। जैसे ये देखिए, ये इससे ज़्यादा लंबा थैला है, तो हम इस थैले का यूज़ करेंगे। कैरी बैग बोल दीजिए, थैला बोल दीजिए, या शॉपिंग बैग जो भी है। ये देखिए, इसको हम यहाँ से ये पूरा कट कर देंगे। और इसको कट करने के बाद इसका जो नीचे का बेस है उतने ही आकार का हम एक कार्डबोर्ड या जो भी हमारा ये साड़ी का बॉक्स रहता है उसको कट कर लेंगे, जो यूज़लेस है, वेस्ट है। और इस तरीके से देखिए, हम ये पूरा साइड का इसका जो पोर्शन है उसे कट कर दे रहे हैं। और ये देखिए, कट करने के बाद इसी हिसाब से हम इसमें एक कार्डबोर्ड को या साड़ी का जो बॉक्स है उसको फिट कर देंगे और ऊपर से इसके ऊपर फेविकॉल की सहायता से चिपका देंगे, जिससे इसका ये बेस जो है वो अच्छा हो जाएगा कि जब हम इस थैले को गोदरेज में टांगेंगे या लटकाएंगे तो ये एकदम स्टिक तरीके से रहेगा। ये देखिए, फेविकॉल लगा के इसको हम पूरी तरीके से इसमें अटैच कर दिया। और इस तरीके से हमने पहले कपड़ा लगा दिया, फिर ऊपर से गत्ता लगा के इसको, ये हमारा फर्स्ट DIY बन गया। अब हमारा जो है सेकंड DIY है, ये देखिए इस तरह के, ये सेकंड DIY है ये हमारा। ये जो कागज़ के कैरी बैग हमको मिलते हैं, ये साउथ साइड बहुत मिलते हैं आजकल, यहाँ मिलते हैं। या तो आप इसको यहाँ से पूरा कट कर दीजिए या फिर उतने पोर्शन को आप अंदर फोल्ड कर दीजिए, लेकिन मैंने इसको कट किया है। कट करने से इसके दो फायदे हैं कि आप इसके दो पोर्शन बना सकते हैं अंदर, एक तो ये बन गया, और आप उसी को इसके अंदर डाल दीजिए जो आपने कट कर दिया है, तो आप इसके दो पोर्शन बना सकते हैं। जैसे आप कोई छोटी मोटी चीज़ करना चाहते हैं, कोने में रखना चाहते हैं, तो वो अलग रखा रहेगी और बाकी चीज़ अलग रहेंगी। जैसे ये देखिए, मैंने इसको इसके अंदर कर दिया और इसके ये दो पोर्शन बन गए। आप चाहें तो इसमें अलग कुछ रख सकते हैं और साइड की जो जगह है उसमें आप कुछ अलग रख सकते हैं, और चाहें तो आप इसको बाहर भी निकाल के रख सकते हैं। ये देखिए, इसके कॉर्नर में आप कुछ और दूसरी चीज़ें रख सकते हैं, जिससे कपड़े एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। इसके कारण एक बेस बना रहेगा और आपके जो कपड़े हैं वो अलग अलग रहेंगे, और आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। आप इसका प्रयोग किसी भी दूसरी चीज़ में हैंगिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बने हुए हैं हैंगिंग के वो काम आते हैं। और अब ये छोटे छोटे जो कागज़ के बॉक्स है, जैसे केक का या पेस्ट्रीज़ का, छोटे छोटे आते हैं, इनको हम इसी में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे हैंकी होते हैं या हमारे अंडरगारमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो इन छोटे छोटे बॉक्स में आप डाल के रख सकते हैं, जिनको हमें गोदरेज में अलग से ढूंढना नहीं पड़ता। अब देखिए, इसको हमने कैसे यूज़ किया है गोदरेज में बताते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको हैंग कर दिया है गोदरेज में। तो बैक साइड में मैंने अपने सारे पेटीकोट रख दिए हैं, ये देखिए, और ये जो है इसमें सारी लैगी रखा गई है मेरी। अब मेरे को एक लैगी के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो भी लैगी है उस जिस कलर की चाहिए हाथ डाल के, और उसको हम उसमें से निकाल लेंगे। और ये जो हमारे अंडरगारमेंट्स वगैरह हैंकी वगैरह जो है, वो ये छोटे वाले में हम अलग से रख सकते हैं। चाहें तो आप ये जो छोटे छोटे हैंकी होते हैं बड़े, वो भी इसमें रख सकते हैं, और चाहें तो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो चुन्नियाँ हैं जो डेली यूज़ की घर में यूज़ होती है सूट के साथ, वो सामने हैं, और सारे पेटीकोट जो हैं वो पीछे हैं, ये देखिए। और ये इतने सारे पेटीकोट इसमें बन गए हैं कि आप इसमें अभी और भी रख सकते हैं, मतलब ऊपर तक जितना हिस्सा है इसका वहाँ तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इसके में अलग अलग कलर की लैगी दिख रही है, जब आपको जो लैगी लेना है तब आप वो लैगी निकाल सकते हैं। बताइए आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।